पूरा शहर मेघालय के गारो हिल्स की कैपिटल कही जाती है, लेकिन तुरा में सरकारी अस्पताल की बदहाली सूबे की मुकुल संगमा सरकार पर सवाल खड़े करती है। तुरा सिविल हॉस्पिटल, अगर हम गारो हिल्स की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जो इस पूरे गारो हिल्स के लोगों को चिकित्सा सुविधा देता है। इसको 1988 में यहाँ इनोग्रेट किया था पीए संगमा जब मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन इसका सफ़र कितना आगे तक बढ़ा, अगर हम इस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ अगर स्पेशलिटीज़ की बात करें तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, चाहे वो यूरोलॉजी हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजी हो, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, इन तमाम के लिए आपको यहाँ से गुवाहाटी के लिए जाना होगा, यहाँ से सबको रेफर किया जाता है गुवाहाटी के लिए। तुरा सिविल अस्पताल में सुविधाएँ नाकाफी हैं, मरीजों को जरूरत की दवाइयां तक नहीं मिल पाती। तुरा के इस हॉस्पिटल में है जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल तुरा का है, यहां से लोगों को अगर यहां नहीं मिलेगा तो फिर गुवाहाटी जाना पड़ता है। यहां एक पर्चे पर लिखी हुई ये दो दवाइयां हैं और दोनों ही दवाइयां यहां हॉस्पिटल में नहीं मिल रही हैं। ये आपको दवाइयों के लिए क्या कहा है? मैं ये दवाई बाजार से मैं खरीदना पड़ेगा। यहाँ नहीं मिला? यहाँ नहीं मिलते हैं। उनसे पूछा था, नहीं है बोला। ये हॉस्पिटल में एक और पेशेंट हैं, उनके पास ये एक दवाई है जो उनको अभी यहीं डॉक्टर ने लिखी है, लेकिन उनको मिली या नहीं इस पर तो निशान लगा हुआ है। आपने बताया आपको ये दवाई मिली? नहीं मिली। क्या बोला? नहीं है। कब आएगी पता नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? हाँ, बाहर से लेगा। ऐसे होता है अक्सर, हर साल है। हाँ, तो कभी एक टू मिलता है वो तो फार्मेसी हम बाहर से लेता है। मेघालय में पिछले 15 सालों से कांग्रेस सत्ता में है, राज्य के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा पिछले 8 सालों से सत्ता पर काबिज हैं। ऐसे में अस्पतालों की हालत के लिए विरोधी दल सरकार पर सवाल उठाते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि लेकिन वहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन मशीन का वहाँ पे पूरा एक प्रोविजन था, उसमें मशीन भी दिया गया, लेकिन सरकार ने उसको अच्छी तरह चलाया नहीं। वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे आया नहीं और उसकी वजह से आज जो मशीन थे वो भी ख़राब हो गए। तो ये बिल्कुल एक गवर्नेंस का कोलैप्स, मतलब समझ लीजिए पूरा जो गवर्नेंस वहाँ पे गिर गया, मतलब पूरी तरह ख़त्म हो गया। मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है। हमारा हॉस्पिटल अभी एक मेडिकल कॉलेज आना था लेकिन अभी तक हुआ नहीं। हालत यह है कि यहाँ सिटी स्कैन से लेकर एमआरआई तक की सुविधा नहीं है, तो मरीजों को यहाँ से गुवाहाटी रेफर कर दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेंद्र पुंडीर, न्यूज नेशन, तुरा सिविल हॉस्पिटल तुरा। तो मेघालय में पिछले 15 सालों से सत्ता पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूल्स का भी यहाँ हाल बेहाल नजर आता है। ये पूरा स्कूल का परिसर है और इसमें एक इमारत पर आपकी नज़र जाती है, ये गोकुल, ये गवर्नमेंट एलपी स्कूल है ईस्ट गारो हिल्स का, जो इस्टेब्लिश हुआ 1938 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत है। यहाँ इस हिस्से को, ये अब टूटा हुआ एक कमरा है, क्योंकि बच्चों को इस समय छुट्टी है, यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी तमाम कमरों की हालत भी कैसी है ये आपको यहाँ दिखाई दे सकता है। किस तरह ये पूरी तरह से टूटा हुआ, उखड़ा हुआ फर्श, ऊपर से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसकी छत भी उड़ गई है, उसके बाद बराबर में कुछ कमरे जो बाकी बचे हुए उनमें अभी क्लास चलती है। वहाँ क्लास में, यहाँ इस पूरे स्कूल में किस तरह से बच्चे पढ़ते होंगे हम लोग देखना चाहते हैं सर्व शिक्षा अभियान के लिए। इस समय यहाँ आपको दिखेगा चारों तरफ बच्चे भी हैं और हम यहाँ है टीचर से के एस संगमा। मिस्टर के एस संगमा, नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा है। आप, मैं ये जानना चाहता हूँ स्कूल में बच्चों और जो शिक्षकों का जो रेशो है वो पूरा है क्या या कम है कुछ? Well, I can say that regarding the managing of school, we have many difficulties in terms of teaching, where altogether only 5 teachers were managing the इस दरवाजे में ये खिड़की नहीं है बल्कि इसको दीमक ने खाया है। इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको जिस हैंडल की दरकार है उसके ऊपर भी दीमक खा चुकी है, ये नीचे गिर गए। हम जिस कमरे की तरफ घुस रहे हैं
वो लैब है। इस लैब के नाम पर ये कुछ बीकर्स, कुछ फ्लास्क और उनके अंदर कोई स्नेक्स, एक या दो के अंदर फ्लास्क, बीकर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी। इनके सहारे बच्चे साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और इसी में स्पोर्ट्स का सामान भी रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, गारो हिल्स, मेघालय। उधर नागालैंड में विकास और भ्रष्टाचार पर युवाओं की क्या कुछ राय है, सुनिए। कोहिमा की खूबसूरती यहाँ आने वाला अपने से महसूस कर सकता है, लेकिन यहाँ के बच्चों का सपना क्या है? जब राजनीति के लिए वो चुनते हैं, लीडरशिप इलेक्ट करते हैं, तो उनके जहन में सबसे पहली बात क्या होती है? हम यहाँ कोहिमा में हैं, क्रॉस कॉलेज में, और ये सब स्टूडेंट्स हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को। इन्हीं से पूछते हैं सीधा चलकर कि आखिर वो किस आप जब कभी गवर्नमेंट अब चुनाव आ गए हैं, है ना, आपको वोट करना है, तो आप सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है? करप्शन फ्री सोसाइटी के लिए या रोड्स, क्योंकि मैं अभी आया, रोड्स बहुत ख़राब हैं, या हॉस्पिटल्स, वो आपका पहला क्या रहता है जब पूछने जाते हैं? एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट व्हिच विल यू नो ब्रिंग आउट द मैक्सिमम पोटेंशियल एंड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। अगर हम लोग देखते हैं रोड्स की हालत कैसी है, व्हाट्स द कंडीशंस ऑफ योर रोड्स इन द स्टेट? इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। यस, आई थिंक द लीडर्स नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट, इन द डेवलपमेंट। हम लोग अगर बात करते हैं इलेक्शंस के लिए, तो आपके यहाँ रोड्स की कंडीशंस, हॉस्पिटल की कंडीशंस और उससे ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इससे फ़र्क पड़ता है डेवलपमेंट पे? या आई थिंक सो, बिकॉज सर व्हेन इट कम्स टू दिस रोड डेवलपमेंट, अनलेस द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप, नो अदर डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। एंड देन कमिंग टू द हेल्थ सेक्टर, आई थिंक इवन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीड टू बी इक्विप। आपको लगता है, आप हिंदी समझ पाएंगे? हाँ, आपको लगता है कि जिस तरह से बाकी तमाम राज्यों के स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड है आपके आसपास में नॉर्थ ईस्ट में, उस तरह का स्टैंडर्ड यहाँ है? आई थिंक है, क्योंकि नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट जो है वो भी सिविल एग्जाम्स देते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, तो एक तरीके से वो लेवल मैच हो जाती है। आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, काफ़ी इससे पहले काफ़ी इधर से उधर, इधर से उधर, ये बहुत जल्दी होता है यहाँ, है ना, कि 10 है ना, तो इससे भी फर्क पड़ता है क्या? या आई थिंक सर, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी व्हिच वी आर फेसिंग इन नागालैंड, दैट इज आल्सो लीडिंग टू वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड स्टेट इन इंडिया एज़ वेल। लाइक व्हाट द यूथ वी हैव बीन डिस्कसिंग, वी नीड अ न्यू ब्रीड ऑफ दिस द पॉलिटिशियन। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कोहिमा, नागालैंड। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।